मैं अहमदास पलांगे, सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूँ। हम देख रहे हैं कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान का तीसरा अध्याय विद्युत रसायन, जिसका बहुत सारा टॉपिक हम इससे पहले वाले जो वीडियो है उसमें क्लियर कर चुके हैं। आज हम और छोटे छोटे टॉपिक हैं जो आपके लिए और आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, वो हम लोग देखने वाले हैं। तो फिलहाल हमारा टॉपिक है विद्युत अपघटनी विलयन की विद्युत चालकता। ये हमारा क्या है, टॉपिक है। क्या है हमारा, विद्युत अपघटनी जो भी विलयन है उसकी क्या देखना है, विद्युत चालकता। वैसे आपको पता है विद्युत अपघट्य क्या होता है, हम इससे पहले क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। विद्युत अपघट्य वे पदार्थ होते हैं जिसके ठोस अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं किया जा सकता है, केवल जलीय अवस्था में ही क्या किया जा सकता है, विद्युत धारा प्रवाहित किया जा सकता है, वही आपका क्या कहलाता है, विद्युत अपघट्य कहलाता है। तो हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं, हमारे पास क्या होता है, एक विद्युत अपघट्य विलयन है। मान लेते हैं विद्युत अपघट्य क्या है हमारा, NaCl है, और ये पानी में क्या हुआ है, घुला हुआ है, मतलब विद्युत अपघट्य के क्या है, जलीय विलयन है। अब इस विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में हम क्या करते हैं, यदि दो इलेक्ट्रोड लगा देते हैं यहाँ पर, या दो इलेक्ट्रोड डुबा देते हैं, और इन इलेक्ट्रोडों पर अगर हम क्या करते हैं, विद्युत धारा क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं, है ना, इसमें क्या करते हैं भाई, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो उस स्थिति में जो विद्युत अपघट्य जो क्या होता है, पदार्थ होता है, उसके आयनों में क्या होती है, गति होना स्टार्ट हो जाती है, और गति जैसे ही स्टार्ट होती है इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होना स्टार्ट हो जाती है। अर्थात हम ये बोल सकते हैं कि कोई भी विद्युत अपघट्य जो पदार्थ है उसका जो क्या है, विलयन है, उस विलयन पर अगर हम क्या डुबा देते हैं, इलेक्ट्रोड डुबा देते हैं, और उसमें क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो विद्युत धारा प्रवाहित करने से जो विद्युत अपघट्य जो क्या होता है, पदार्थ होता है, उनके आयनों में क्या होता है, गति होता है, और उनके आयनों में गति होने के कारण हमारा ये जो विलयन होता है उसमें क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होना जो है स्टार्ट हो जाता है, ये हमको देखने को मिलता है। तो ये तो जो विद्युत धारा प्रवाहित होता है उसकी बात हो गया। अब जो है ये होता है कि कोई भी क्या होता है, विद्युत अपघटनी जो क्या होता है हमारा, जो विलयन होता है, यदि हम उसमें क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, या ये बोल सकते हैं कि कोई धातु का क्या होता है, तार होता है, या धातु का चालक होता है, उसमें अगर हम क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो उन दोनों ही स्थिति में, चाहे वो विलयन हो, है ना, विलयन में डूबे हुए इलेक्ट्रोड हो, है ना, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करो, या कोई धातु चालक है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करो, दोनों ही क्या करता है, अपने में प्रवाहित विद्युत धारा के प्रति क्या करता है, प्रतिरोध उत्पन्न करता है। क्या होता है हमारा, प्रतिरोध उत्पन्न करता है। कहने का मतलब ये है, धातु चालक में हम अगर क्या करते हैं, विद्युत धारा क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं, तो इस विद्युत धारा के प्रति, ये जो धातु की क्या है, जो तार है या चालक है, वो क्या करता है, प्रतिरोध उत्पन्न करता है, या ये बोल सकते हैं कि विद्युत अपघटनी क्या है, विलयन है, और उस विलयन में क्या डूबा है, दो इलेक्ट्रोड डूबा है, और अगर उसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वो विलयन भी अपने में प्रवाहित जो विद्युत धारा है उसके प्रति क्या करता है, प्रतिरोध उत्पन्न करता है। तो इस प्रतिरोध के बारे में, जो कि विलयन और चालक जो है क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं, इसकी जानकारी हमको कहाँ से मिलता है, ओम के नियम से मिलता है। कहाँ से मिलता है भाई, ओम के नियम से। तो हमको आगे किसके बारे में चर्चा करना है, ओम के नियम। तो चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, ओम का नियम। ये है हमारा ओम का नियम, यहाँ पर लिखा है ओम्स लॉ। अब ओम का नियम क्या कहता है, ओम ये कहता है, यदि कोई विद्युत अपघटनी क्या है हमारा, विलयन है, या विद्युत अपघट्य के क्या है, विलयन है, तो उस विद्युत अपघट्य के विलयन, मतलब हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, ये हमारा बना देते हैं NaCl का क्या बना देते हैं, विलयन बना देते हैं, तो विद्युत अपघटनी जो क्या है, विलयन है, या ये बोल सकते हैं कि विद्युत अपघट्य के विलयन में दो इलेक्ट्रोड क्या हुआ है, डूबा हुआ है, या ये बोल सकते हैं धातु की क्या है हमारा, दो तार है। तो जो ओम ये कहता है कि विद्युत अपघट्य के विलयन में डूबे हुए दो इलेक्ट्रोड प्लस और माइनस, है ना, या धातु चालक होता है उनके सिरों पर, किस पर, सिरों पर, यदि क्या लगाया जाता है, वी वोल्ट लगाया जाता है, है ना, दोनों को लेके चल रहे हैं हम लोग, धातु के तार को भी लेके चल रहे हैं और विद्युत अपघटनी विलयन को भी, जिसमें दो इलेक्ट्रोड डूबा है उसको भी लेके चल रहे हैं। तो दोनों में से आप एक लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं, या दोनों को ले सकते हैं। तो ओम के नियम के अनुसार ये कहता है कि धातु चालक, यदि धातु चालक के सिरों पर अथवा विलयन या विद्युत अपघटनी विलयन में डूबे हुए दो इलेक्ट्रोड हैं उन पर,
है ना, अगर हम क्या करते हैं उनके मध्य विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं या वी वोल्ट लगाते हैं, तो उस स्थिति पर उस पर जो है आई विद्युत धारा क्या होता है, प्रवाहित होता है। ऐसा कौन कहता है भाई, हमारा ओम कहता है। क्या बोल रहा है कि कोई हमारा क्या है, चालक है, धातु चालक है, उनको सिरों पर, या ये बोल सकते हैं कि कोई विद्युत अवघट्य विलयन है और उसमें दो इलेक्ट्रोड डूबा है, उस पर या उनके मध्य अगर हम क्या करते हैं विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं या भी वोल्ट लगाते हैं, तो उसमें आई क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होता है, जिसको इस प्रकार से क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है, भी समानुपाती क्या होता है, आई होता है। अब वो समानुपाती जब हट जाता है तो उसके जगह क्या आता है, कॉन्स्टेंट, जिसको आर से लिखा जाता है, तो ये कॉन्स्टेंट क्या होता है, आर हो जाता है, और क्या हो जाता है, आर जो है आई का आई हो जाता है। तो यहाँ पर आर क्या होता है कि स्थिरांक होता है, जिसे प्रतिरोध के नाम से भी जाना जाता है। तो आर जो स्थिरांक आता है वो स्थिरांक है, और इसको हम लोग प्रतिरोध के नाम से जानते हैं, आर को क्या कहा जाता है, प्रतिरोध के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर क्या किया जाता है, आर को वहीं पर रख दिया जाता है और इधर जो है आई को पक्षांतरित कर दिया जाता है, तो क्या हो जाता है, वी अपान आई इक्वल टू क्या हो जाता है, आर प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ से हमको छोटा सा क्या हो जाता है, समीकरण प्राप्त हो जाता है। तो ये तो होता है ओम के नियम। अब यहाँ पर ओम के नियम को जो है, ये जो हमारा ये दिख रहा है, इसके द्वारा क्या किया जा सकता है, परिभाषित किया जा सकता है कि कोई क्या होता है, धातु चालक होता है, उस धातु चालक के सिरों पर, या ये बोल सकते हैं कि कोई विद्युत अवघट्य विलयन है ना, उस पर जो बहने वाली विद्युत धारा की जो क्या होती है, प्रबलता होती है, वह प्रबलता उसमें लगाए गए विद्युत धारा के या लगाए गए वोल्ट के क्या होती है, समानुपाती होती है। तो इसको देख के क्या की जा सकती है, परिभाषा यहाँ पर लिखी जा सकती है। तो कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर ओम के नियम के अनुसार हम जो है अगर परिभाषा देखें ओम के नियम को, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं किसी धातु चालक के सिरों अथवा या लिख सकते हैं अथवा विद्युत अवघट्य के विलयन, विद्युत अवघटनी विलयन बोल सकते हैं, विद्युत अवघट्य विलयन में बहने वाली विद्युत धारा की प्रबलता विलयन में डूबे इलेक्ट्रोडों के मध्य अथवा धातु चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर के क्या होती है, समानुपाती होती है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं समानुपाती होती है। ये हमारा क्या होता है, ओम का नियम होता है। ओम ने क्या बोला है कि कोई भी जो धातु चालक है, मान लो हम लोग धातु चालक ले लेते हैं, तो कोई भी धातु चालक है, या ये बोल सकते हैं कि कोई भी विद्युत अवघट्य का जो जली विलयन है, तो इस जली विलयन में बोल सकते हैं अथवा इस धातु चाल में जो बहने वाली जो धारा होता है उनकी प्रबलता की अगर बात करते हैं, धातु चालक पर अथवा विद्युत अवघटनी विलयन पर जो बहने वाली क्या है, जो विद्युत धारा की जो प्रबलता है, वो प्रबलता इस चालक पर या इस विद्युत अवघटनी जो विलयन है उस पर लगाए गए विद्युत धारा या उस पर लगाए गए वोल्ट या विभवांतर के क्या होती है, समानुपाती होती है। कहने का मतलब यह है कि जितना इसमें क्या किया जाता है, वोल्ट लगाया जाता है, उतना ही ज़्यादा क्या होता है, आयनों का गति होता है और उतना ही ज़्यादा उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होता है। सेम हम चालक तार में भी बोल सकते हैं भाई, चालक तार में जितना वोल्ट लगाया जाता है उतना ज़्यादा क्या होता है, आपका विद्युत धारा उसमें प्रवाहित होता है। अर्थात विद्युत धारा जो आई होता है वह उस पर लगाए गए या चालक तार पर लगाए गए विभवांतर के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो इससे ये जो परिभाषा है उसको लिखा जा सकता है, यही क्या होता है, आपका ओम का नियम होता है। तो आपको ये क्वेश्चन आपको क्या कर सकता है, पूछ सकता है भाई कि ओम का नियम क्या होता है, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि किसी भी विद्युत अवघटनी जो विलयन है या जो धातु चालक है उस पर बहने वाली जो भी विद्युत धारा है, वो धारा
उस धातु चालक पर लगाए गए अथवा विद्युत अपघटनी विलयन में डूबे हुए इलेक्ट्रोडों पर लगाए गए विभवांतर के क्या होती है, समानुपाती होती है। मतलब यही क्या होती है हमारी ओम का नियम होता है। जैसे होता है ना भाई, मोटरसाइकिल क्या होता है, हाथ में एक्सीलेटर है, आप एक्सीलेटर जितना क्या करेंगे, ज़्यादा बढ़ाएंगे उतना गाड़ी क्या होता है भगता है ना, छोड़ेंगे तो क्या होता है गाड़ी कम हो जाता है। तो सेम टू ऐसा ही है, वो जितना वोल्ट लगाएंगे विद्युत धारा की जो क्या होती है गति है या जो प्रबलता है वो बढ़ती जाती है। तो ये कौन सा हो गया हमारा, ओम का नियम। अब यहाँ से हमको एक पता चला है प्रतिरोध, क्या चला है प्रतिरोध। तो आगे हम क्या करते हैं, प्रतिरोध के बारे में चर्चा करते हैं। तो चलते हैं हम लोग प्रतिरोध के पास। ये हमारा क्या है प्रतिरोध, साथ में हम लोग क्या देखेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध। अब ये जो प्रतिरोध है उसको हम लोग पहले समझते हैं, प्रतिरोध होता क्या है ना, रेसिडेंस क्या होता है। तो प्रतिरोध का मतलब होता है, नाम से स्पष्ट है, अवरोध उत्पन्न करने वाला को क्या बोलते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। तो किसका अवरोध उत्पन्न करेगा भाई, किसी भी धातु चालक में बहने वाली जो भी विद्युत धारा है, उस विद्युत धारा के प्रति चालक द्वारा जो भी उत्पन्न की गई जो क्या होता है हमारा रुकावट होता है, वही क्या कहलाता है, उसका प्रतिरोध कहलाता है। जैसे हमारा ये क्या है, हमारा धातु चालक है, धातु चालक मतलब तार है, और जब इसमें विद्युत धारा क्या करते हैं हम लोग, प्रवाहित करते हैं, विद्युत धारा क्या करते हैं प्रवाहित करते हैं, तो ये चालक जो होता है उस पर प्रवाहित विद्युत धारा के प्रति क्या करता है, एक रुकावट पैदा करता है, वही उसका क्या कहलाता है हमारा, प्रतिरोध कहलाता है। तो इसको आप परिभाषा के तौर पर क्या कर सकते हैं भाई, लिख सकते हैं कि किसी धातु चालक, किसी धातु चालक, धातु चालक लिख देते हैं यहाँ पर, किसी धातु चालक, किसी धातु चालक चालक अथवा हम किसी धातु चालक अथवा विद्युत अपघट्य विलयन की जो क्या होता है प्रतिरोध होता है, तो किसी धातु चालक का प्रतिरोध, प्रतिरोध उस चालक में है ना, या उस धातु चालक में, उस धातु चालक में बहने वाली विद्युत धारा के प्रति रुकावट रुकावट को है ना कहते हैं। तो इस प्रकार से आप क्या परिभाषा दे सकते हैं, क्या परिभाषा बोल रहे हैं भाई, कि कोई हमारा धातु चालक है मतलब तार है, तो उसका जो प्रतिरोध होता है वह उस धातु चालक में बहने वाली जो क्या होती है विद्युत धारा होती है, उस विद्युत धारा के प्रति धातु चालक के द्वारा जो भी क्या की जाती है रुकावट पैदा की जाती है वही क्या कहलाती है, उसकी प्रतिरोध कहलाती है। जैसे परिभाषा आपको दिख रहा है, किसी धातु चालक का प्रतिरोध उस धातु चालक में बहने वाली जो भी विद्युत धारा है उसके प्रति के प्रति रुकावट को कहते हैं। मतलब कोई तार है और उस तार पर क्या हो रहा है विद्युत धारा क्या हो रहा है प्रवाहित हो रहा है, तो उस विद्युत धारा के प्रति वो चालक क्या करता है, एक रुकावट पैदा करता है, वह उसका क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। अगर आपको विलयन में बोलना है तो आप विलयन में बोल सकते हैं कि कोई विद्युत अपघटनी क्या है विलयन है, और उस विलयन में क्या डूबा हुआ है, दो ठो क्या डूबा है हमारा, इलेक्ट्रोड डूबा है, और इन इलेक्ट्रोडों के मध्य अगर हम क्या लगाते हैं विद्युत धारा लगाते हैं, तो उस विलयन में जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उस विद्युत धारा के प्रति विलयन जो क्या करता है रुकावट पैदा करता है ना, वो उसका क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। तो आप प्रतिरोध को दोनों तरीका से क्या कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो है प्रतिरोध को तो परिभाषा हो गया, साथ में ये होता है कि ये जो प्रतिरोध का जो मान होता है वो धातु चालक की जो क्या होती है जो लंबाई होता है और उसका जो अनुप्रस्थ जो काट होता है उस पर क्या करता है, निर्भर करता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं प्रतिरोध जो है, प्रतिरोध का मान जो होता है वो का मान धातु चालक के लंबाई, जिसको L से करते हैं, धातु चालक के लंबाई L के अनुक्रमानुपाती तथा है ना उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है।
तो इस प्रकार से परिभाषा थोड़ा सा और बढ़ गया कि कोई भी क्या है धातु चालक है, तो उस धातु चालक को प्रतिरोध जो होता है उस चालक में बहने वाली विद्युत धारा के प्रति क्या होता है रुकावट को कहते हैं, और प्रतिरोध जो होता है कोई भी धातु चालक का वो धातु चालक की जो क्या होता है जो लंबाई होता है उस लंबाई के क्या होता है अनुक्रमानुपाती, और उस जो धातु चालक के जो अनुप्रस्थ परिच्छेद होता है उसका क्या होता है हमारा व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसको यहाँ से क्या किया जा सकता है आपको बताया जा सकता है कैसे। तो यहाँ पर क्या होता है आर्क क्या होता है प्रतिरोध होता है, और इसका जो मान होता है ये जो भी हमारा धातु चालक होता है उस लंबाई के उस धातु चालक के लंबाई के क्या होता है समानुपाती, और जो अनुप्रस्थ काट होता है जिसको यहाँ पर ए से दर्शा सकते हैं इसके क्या होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस तरीका से इसको क्या किया जाता है दर्शाया जाता है। अब जैसे ही क्या होता है यहाँ से वो जो समानुपाती हटता है तो एक कांस्टेंट आ जाता है जिसको रो के नाम से क्या किया जाता है जाना जाता है। तो ये हमारा क्या हो जाता है कांस्टेंट आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं रो कहते हैं, और ये जो रो होता है यहाँ पर लिखते हैं तो ये एल अपान क्या हो जाता है ये क्या हो जाता है प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर जो रो होता है ये रो को क्या कहा जाता है विशिष्ट प्रतिरोध के नाम से जाना जाता है। इसको क्या बोलते हैं भाई विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है, विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। रो को क्या बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। जैसे ही इस रो को इस तरफ क्या कर दिया जाता है पक्षांतरित कर दिया जाता है एक तो समीकरण ये प्राप्त हो जाता है, जैसे ही इस रो को क्या कर दिया जाता है इस तरफ पक्षांतरित कर दिया जाता है ना इस प्रकार से बना सकते हैं ये रो को पक्षांतरित करते हैं तो ये जो मान होता है ऊपर चला जाता है मतलब ये क्या प्राप्त हो जाता है आर या पान क्या हो जाता है एल क्या हो जाता है प्राप्त हो जाता है, या इसी को हम लोग जो है रो अपान आर ए अपान एल लिखा जाता है। तो यहाँ से हमको क्या हो जाता है एक समीकरण फिर से प्राप्त हो जाता है। तो ये हो गया हमारा विशिष्ट जो है प्रतिरोध। अब यहाँ से प्रतिरोध को समझते समझते हमको क्या हो जाता है एक विशिष्ट प्रतिरोध क्या हो जाता है प्राप्त हो जाता है, तो उसको भी हमको समझना है कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध को जानने के लिए क्या करते हैं जैसे यहाँ पर हम लोग रो को क्या कर दिए इस तरफ पक्षांतरित कर दिए हैं तो हमारा मान क्या हो गया है आर ए अपान कितना मिला हमारा एल प्राप्त हुआ है, तो आर ए अपान एल प्राप्त हुआ है। अब इस मान का हम लोग क्या करते हैं कुछ कुछ मान को क्या कर देते हैं रख देते हैं, यहां पर जो एल होता है इस एल का मान अगर हम क्या कर देते हैं 1 सेंटीमीटर रख देते हैं तो एल के बराबर कितना रखते हैं 1 सेमी रख देते हैं, और यहाँ पर अगर हम क्या कर देते हैं ए जो अनुप्रस्थ परिच्छेद को क्या करता है प्रदर्शित करता है इसको हम लोग वर्ग सेंटीमीटर अगर मान में क्या कर देते हैं रख देते हैं, तो उस स्थिति में जो चालकता होता है जो प्रतिरोध होता है वो क्या कहलाता है हमारा विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर लंबे और 1 वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले जो भी चालक के द्वारा है ना विद्युत धारा के प्रवाह में या विद्युत धारा अपने में से विद्युत धारा के जो प्रवाह में जो रुकावट पैदा होता है वो उसका क्या कहलाता है विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं परिभाषा लिख सकते हैं भाई 1 सेंटीमीटर लंबे और 1 वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ काट वाले चालक का जो भी क्या होता है हमारा चालक का जो भी एक रुकावट या चालक द्वारा जो रुकावट होता है वो उसका क्या कहलाता है हमारा विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है, जिसको हम नेक्स्ट क्या करने वाले हैं देखने वाले हैं क्या होता है। ठीक है तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं कौन सा प्रतिरोध उस तरफ अलग है तो हम लोग लिख देते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध। तो विशिष्ट प्रतिरोध हम जब लिखते हैं तो इसी को लिख सकते हैं भाई कितना सेंटीमीटर, तो ये लिख सकते हैं 1 सेमी 1 सेमीमीटर लंबे 1 सेंटीमीटर लंबे व 1 वर्ग सेंटीमीटर है ना अनुप्रस्थ काट वाले अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले परिच्छेद वाले 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 चालक परिच्छेद वाले चालक यहाँ पर लिख देते हैं परिच्छेद वाले चालक। तो क्या लिखे हम लोग 1 सेमी लंबे मतलब 1 सेंटीमीटर लंबे व 1 वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ है ना काट अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले चालक के द्वारा रुकावट है ना वाले चालक के द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट क्या कहलाता है
विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। विशिष्ट क्या बोलते हैं भाई, प्रतिरोध कहते हैं। तो इस प्रकार से यहीं से हम क्या कर सकते हैं, एक परिभाषा पुनः क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं भाई कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या है। तो बता देना कि कोई धातु चालक है, उस चालक की लंबाई कितना है, 1 सेंटीमीटर है, साथ ही उसका अनुप्रस्थ परिच्छेद कितना है, 1 वर्ग सेंटीमीटर है। तो 1 सेंटीमीटर लंबा और 1 वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले जो भी क्या होता है, जो धातु चालक होता है, उसके द्वारा जो भी रुकावट विद्युत धारा के प्रवाह में किया जाता है, वही उसका क्या कहलाता है, हमारा विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। अब ये जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है, चाहेंगे तो इस प्रकार से समीकरण को पुनः लिखा जाता है, यही क्या कहलाता है, हमारा विशिष्ट प्रतिरोध को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो ये हमारा क्या हो गया, विशिष्ट प्रतिरोध। अब ये जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है, उसका अपना इकाई होता है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा विशिष्ट प्रतिरोध की जो इकाई है, उसको हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से बताते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई, विशिष्ट प्रतिरोध की हमको क्या देखना है, इकाई देखना है। विशिष्ट प्रतिरोध तो क्या हो गया, कैसे हो गया, उसको हम लोग देख लिए। विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई को कैसे करते हैं, चूँकि इसका जो फार्मूला है वो कैसा होता है, हमारा रो होता है, उसके अलावा क्या होता है, हमारा आर ए होता है, अपान कितना होता है, एल होता है। चाहेंगे तो आप इसको इस तरीका से भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ये हो गया आपका रो, ये हो जाता है आर, है ना, कांस्टेंट है चूँकि, और ये हो जाता है ए, और ये हो जाता है हमारा एल। अब यहाँ पर क्या कर दिया जाता है, इनके मानों को रख दिया जाता है। तो ये कितना हो जाता है, रो आर का हो जाता है हमारा आर, और यहाँ पर जो क्या होता है, ए जो होता है उसका मान कितना है हमारा, 1 वर्ग सेंटीमीटर है, और इसका मान कितना है हमारा, सेंटीमीटर है। तो उस स्थिति में सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्या हो जाता है, कैंसल हो जाता है। तो हमको क्या प्राप्त हो जाता है, ये हो जाता है रो, ऊपर में क्या बचा है, कुछ एक जो है सेंटीमीटर बचा है, और ये क्या बचा है, आर बचा है। तो आर सेंटीमीटर बचा हुआ है, चूँकि आर जो होता है वही आर क्या होता है, हमारा प्रतिरोध होता है, और प्रतिरोध की जो इकाई होता है वो ओम होता है भाई। क्या होता है हमारा, प्रतिरोध की इकाई क्या होता है, ओम। वहाँ पर हम लोग इकाई आपको नहीं बताए, यहाँ पर हम बता दे रहे हैं कि जो हमारा क्या होता है, प्रतिरोध की इकाई क्या होता है, आपका ओम होता है। तो इस प्रकार से विशिष्ट प्रतिरोध की जो इकाई है, उसको हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आर जो होता है विशिष्ट प्रतिरोध होता है, जिसकी इकाई क्या होता है, ओम होता है। तो यहाँ पर सेंटीमीटर से क्या किया जा सकता है, दर्शाया जा सकता है, और ये बताया जा सकता है कि जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है उसकी इकाई क्या होता है, ओम सेंटीमीटर होता है, या ओम सेमी को प्रदर्शित करता है। तो ये हो गया हमारा किसके बारे में भाई, विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया भाई, अभी हमने पढ़ लिया ओम का नियम क्या है, हमने पढ़ लिया प्रतिरोध क्या है, उसके अलावा विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, और विशिष्ट प्रतिरोध के जो है आपके क्या इकाई होता है, इस प्रकार से देख लिया। और प्रतिरोध की इकाई भी क्या होता है भाई, ओम। आर क्या है, प्रतिरोध है, और प्रतिरोध की इकाई किससे दर्शाते हैं हम लोग, ओम से क्या करते हैं, दर्शाते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर क्या करते हैं, चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विद्युत अपघटनी चालकता, ठीक है। विद्युत अपघटनी चालकता हमको देखना है, साथ ही साथ विशिष्ट चालकता देखना है। तो विद्युत अपघटनी चालकता क्या होता है भाई, तो सिंपली है, कोई भी विद्युत अपघटनी पदार्थ है ना, उसकी हमको चालकता अगर देखना है, तो विद्युत अपघटनी चालकता अगर पूछता है तो एक सिंपल सा है, ये जो अभी पढ़े हम प्रतिरोध, कोई भी विद्युत अपघटनी जो भी क्या होता है, जो पदार्थ होता है, या विद्युत अपघटनी जो विलयन होता है, उसका जो चालकता होता है, वो जो प्रतिरोध होता है उसका क्या होता है, व्युत्पन्न होता है। कहने का मतलब ये होता है, किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ की जो भी चालकता होता है, वह चालकता प्रतिरोध का क्या होता है, विलोम होता है, उल्टा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले किसको देखते हैं, विद्युत अपघटनी चालकता। विद्युत अपघटनी चालकता का मतलब होता है, किसी भी विद्युत अपघट्य विलयन की जो चालकता होता है, कोई भी विद्युत अपघटनी जो विलयन की क्या है, चालकता है, वह उसके प्रतिरोध का क्या होता है, विलोम होता है। तो लिख सकते हैं, किसी विद्युत अपघट्य विलयन की चालकता, या विद्युत अपघट्य की चालकता, विलयन की चालकता, उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रम होता है, व्युत्क्रम
होता है, मतलब विलोम होता है। तो इस तरीका से हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि किसी विद्युतक घट विलयन की जो चालकता है, कि क्या है चालकता, उसके प्रतिरोध के क्या होते हैं, व्युत्क्रम होता है। और इसको हम किससे दर्शाते हैं भाई, सी से दर्शाते हैं। और इसका जो मान होता है वो प्रतिरोध के क्या होता है, उल्टा होता है, विलोम होता है। और यहाँ पर अगर हम इकाई की बात करें तो इकाई में इसको जो है सीमेन से क्या किया जाता है, इसको प्रदर्शित किया जाता है। तो ये हो गया हमारा कौन सा, विशिष्ट चाल जो है विद्युत अपघटनी चालकता। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं किसके बारे में, विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता क्या होता है इसको देखते हैं। विशिष्ट चालकता में क्या होता है कि कोई भी जो क्या होता है हमारा, जो भी ये बोल सकते हैं कि किसी विद्युत अपघट्य के एक घन सेंटीमीटर विलयन की प्रतिरोधकता, हम लिख सकते हैं किसी विद्युत अपघट्य की, विद्युत अपघट्य, किसी विद्युत अपघट्य के एक घन सेंटीमीटर विलयन की प्रतिरोधकता, की प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम, का व्युत्क्रम उसकी क्या कहलाती है, विशिष्ट चालकता होती है, या विशिष्ट चालकता कहलाती है। उसकी विशिष्ट चालकता कहलाती है। तो इस तरीका से हम लिख सकते हैं विशिष्ट चालकता क्या होता है। तो आप बोल सकते हैं किसी विद्युत अपघट्य के एक घन सेमी मिलियन की जो भी प्रतिरोधकता होगी वही उसकी क्या कहलाएगी, विशिष्ट चालकता। एक घन सेमीमीटर मतलब उतना हम लोग बोले थे ना, एक सेमी अनुप्रस्थ वाले, या ये लंबा वाले, एक सेंटीमीटर लंबा और एक वर्ग सेंटीमीटर क्या था हमारा, अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले जो भी चालक होता है उनके द्वारा जो भी विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट पैदा किया जाता है वो उसका क्या कहलाता है हमारा, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। तो अगर हम एक सेंटीमीटर और एक वर्ग सेंटीमीटर को जोड़ देते हैं तो उनको एक साथ क्या बोलते हैं, एक घन सेंटीमीटर बोलते हैं। तो उसी को एक साथ बोल रहा है कि किसी विद्युत अपघट्य के एक घन सेंटीमीटर विलयन की जो भी क्या है हमारा चालकता है, उस एक घन सेंटीमीटर विलयन की जो भी प्रतिरोधकता है वह उसका क्या कहलाता है, विशिष्ट चालकता कहलाता है। मान लेते हैं हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक क्या होता है, एक पात्र है, और इस पात्र में अगर हम क्या करते हैं, दो इलेक्ट्रोड क्या करते हैं जो है L दूरी पर रख देते हैं, क्या कर देते हैं, एक L दूरी पर रखते हैं, और इस इलेक्ट्रोड का जो क्या होता है, अनुप्रस्थ काट का जो परिच्छेद होता है क्या होता है, A होता है। तो मान लिए दो इलेक्ट्रोड है जिसका अनुप्रस्थ परिच्छेद कितना है, A है, और दोनों इलेक्ट्रोड को क्या रखा गया है, L दूरी पर क्या किया गया है, रखा गया है। तो यहाँ पर अगर हम क्या करते हैं, या इन दोनों के बीच अगर विद्युत धारा क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं, तो इनके द्वारा जितना प्रतिरोध क्या किया जाता है, उत्पन्न किया जाता है, उसका जस्ट उल्टा उसका क्या कहलाता है, विशिष्ट चालकता कहलाता है, विशिष्ट चालकता कहते हैं। और यहाँ पर जो विशिष्ट चालकता होता है उस विशिष्ट चालकता को कप्पा से क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है। किससे दर्शाते हैं भाई, इसको कप्पा से दर्शाते हैं। और ये जो कप्पा होता है इसका जो मान होता है वो जो है विशिष्ट जो प्रतिरोध होता है उसका क्या होता है, उल्टा होता है, प्रतिरोधकता होता है उसका उल्टा होता है, क्योंकि विशिष्ट प्रतिरोध को प्रतिरोधकता भी बोलते हैं। और इसका मान क्या होता है हमारा, ये होता है रो, ये हमारा क्या होता है, ये रो होता है, इसका क्या होता है, उल्टा होता है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, हो गया रो। अब यहाँ पर इसका मान को हम आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है, कप्पा, कप्पा बराबर कितना होता है हमारा, वन अपान क्या हो जाता है, रो। और ये वन अपान जो रो होता है, इस रो का मान हम पहले देख चुके हैं, रो बराबर क्या था भाई, रो बराबर आपका था, ये था आर ए अपान क्या हो जाता है, एल। चूँकि यहाँ पर ये व्युत्क्रम में है तो ये उल्टा हो जाता है और ये क्या हो जाता है, नीचे चला जाता है। तो हमारा क्या हो जाता है, हमारा एल, और ये हो जाता है आर, ये क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। और इसके बराबर लिखते हैं तो ये वन अपान कितना मिल जाता है हमारा, ये हो जाता है R। और यहाँ पर अगर देखें तो L अपान कितना हो जाता है, हमको A क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है, ये जो मान होता है वन अपान जो क्या होता है, ये जो मान होता है वो क्या होता है हमारा, ये C के बराबर होता है। वन अपान R जो है ये C के क्या होता है, बराबर होता है। मतलब इसको C बराबर वन अपान R हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और साथ में यहाँ
पर क्या होता है, एल अपान क्या हो जाता है हमारा, ए लिखा जाता है। तो यहाँ पर जो सी होता है या ये जो समीकरण है वो आपका जो है सेल स्थिरांक को क्या करता है, प्रदर्शित करता है, जो कि जो भी चालक होता है उसके लंबाई और उसके अनुप्रस्थ काट जो का जो परिच्छेद होता है या अनुप्रस्थ परिच्छेद होता है उनके अनुपात को क्या करता है या उनके अनुपात के बराबर होता है। तो इस प्रकार से विशिष्ट जो चालकता है उसको क्या किया जा सकता है, समझाया जा सकता है। तो आज हम लोग जो है बहुत सारे छोटी छोटी पॉइंट पढ़े, इसको आपको जानना जरूरी है। और आगे हम लोग जो है और भी ऐसे ही कुछ टॉपिक जो है आगे दिया गया है जिसको हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं।